सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। भारत सरकार की ओर से चलाई गई ODF ओपन डेफिनेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना जाए वह अपने घर में ही इसका प्रबंध करे, जिसके तहत भारत सरकार भी घर में शौचालय बनाने के लिए हजारों रुपए स्कीम के तहत लोगों को दे रही है। इसी बात को राजपुरा के लोगों को बताने के चलते नगर कौंसिल ने लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए जागरूकता मुहिम चलाई, जो अपने आप में अलग तरह की मुहिम देखने को मिली। इसमें जो व्यक्ति खुले में शौच करते हुए पाए गए उन्हें गांधीवादी तरीके से उनके गले में फूलों के हार व गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया कि खुले में शौच करना एक तो गंदगी फैलाना है और दूसरा इससे बड़ी भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं। इस मौके पर नगर कौंसिल की टीम जो सुबह 4 बजे सैनिटरी इंस्पेक्टर श्री विकास चौधरी की अगुवाई में राजपुरा के अलग अलग स्लम एरियो में रवाना हुई, जिसमें राजपुरा का रेलवे स्टेशन एरिया, मिर्च मंडी, भोगला रोड व अंडरब्रिज एरिया शामिल है, जहां पर टीमों ने लोगों को जो सुबह अपने हाथों में पानी की बोतल उठाकर खुले में शौच करने के लिए जा रहे थे उन्हें ऐसा करने से रोका और इससे फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर खास उन लोगों को फूलों के हार व फूल देकर सम्मानित किया गया जिनके घरों में शौचालय बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लोग खुले में शौच करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस मौके पर टीम की अगुवाई कर रहे श्री विकास चौधरी ने News89 की टीम जो सुबह 4 बजे से ही नगर कौंसिल की टीम के साथ लोगों को खुले में शौच ना करने के लिए जागरूक कर रही थी को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की ओर से खुले में शौच मुक्त भारत बनाना संबंधी स्कीम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वह खुले में शौच ना जाएं, इससे कई बीमारियां फैलती हैं। अगर किसी के घर में शौचालय नहीं है तो सरकार की ओर से स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत सरकार घर में शौचालय बनाने के लिए पैसे का प्रबंध करके देती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास घरों में शौचालय बनवाने के लिए पैसे नहीं है वह नगर कौंसिल में फॉर्म भर सकते हैं, सरकार उन लोगों के घरों में शौचालय बनवा कर देगी। उन्होंने लोगों से एक बार दोबारा अपील करते हुए कहा कि वह खुले में शौच ना जाए। अज भारत सरकार वालों जेड़ा की ODF ओपन डेफिनेशन फ्री जेड़े खुले से शौच करने संबंधी लोगों नु जागरूक करने की खुले शौच बंद किया जाए ताकि घरों के अंदर टॉयलेट बनवा के उसे टॉयलेट जाया जाए। जेड़े लोग गरीब जनता है उन्होंने कम्यूनिटी टॉयलेट बने हुए हैं, जेड़े पब्लिक टॉयलेट है आम जनता वास्ते उन्होंने सवेरे 9 बजे तक फ्री करता गया है, भी सवेरे 9 बजे तक टोटली फ्री है, कोई मर्जी जा सकता उसे टॉयलेट। खुले शौच की पाबंदी है भारत सरकार वालों जिहड़ा कि हदायत जारी की गई है खुले शौच ना किया जाए। तो किन्ने क बंदियां नूं अज तुसीं खुले शौच करन तो रोकिया है जी? अज साडी 4 टीमां बना के शहर च अलग अलग जगह से चैकिंग की गई जिहदे ज्यादा सब तो ज्यादा प्रॉब्लम सानूं रेलवे लाइन के नाल नाल आई है। हाँ जी, रेलवे लाइन के नाल नाल जिहड़े लोग झुग्गी झोंपड़ी वाले ने उन्होंने दस्सिया गया भी तुसीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के टॉयलेट लाइन जाया करो, टॉयलेट करन खुले शौच की पाबंदी है। जो बाहरों ट्रक ड्राइवर आते हैं यात्री आते हैं ये भी जो कि खुले शौच करने की आदत है इन्हों इन संबंधी दसा गया इस संबंधी फ्लैक्सां अज लग जाएंगे शहर सारे जागरूक किया जाएगा। किन्ने बजे तो शुरू हुई सी? अज सवेरे 4 बजे तो स्टार्ट की है, ये लगातार 2-3 दिन चलेगी सारे इलाके। सरकार वालों जो कि खुले शौच करने की पूर्ण तौर पर पाबंदी है, इस अगर जो किसी घर में टॉयलेट नहीं बनया अपना आगे फार्म अप्लाई करे, सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं जिंद टॉयलेट बना के जिंदा बेनीफिट लिया जाए ताकि खुले शौच ना किया जाए, बीमारियां आदि से बचा जाए। खुले शौच करना बीमारियां आदि बहुत ज्यादा फैलदिया ने, इस करके अपने घर टॉयलेट बनाओ। जेकर जो किसी चीज किसी नहीं है टॉयलेट तो अपने नगर कौंसिल फार्म जमा करा सकता है। हम भी News89 चैनल की ओर से लोगों को अपील करते हैं कि जब सरकार घरों में शौचालय बनाने के लिए पैसे दे रही है तो हम लोग क्यों खुले में शौच करते हुए भयंकर बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। हमारी उन लोगों से अपील है जो खुले में शौच जाते हैं कि वो ऐसा ना करें, अपने घरों में शौचालय बनवाएं और सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम का लाभ उठाएं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन दिनेश सचदेवा, News89। सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।